नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। एक देश एक चुनाव को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष की नींद हराम हो गई है, तो वहीं देश में लोकसभा चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने को लेकर केंद्र का रुख भी सामने आ गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मिले इशारे के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने के लिए कई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी थी, जिसको नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है। एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। विपक्ष की ये राहत कितने दिनों तक रहेगी ये कहना भी मुश्किल है। तो वही संसद का विशेष सत्र बुलाने और एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद ऐसी अटकलें बढ़ गई कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने विरोधी पार्टियों में जो खलबली मचा दी थी, वो अनुराग ठाकुर के बयान के बाद जरूर कुछ कम हुई होंगी। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक देश और जनता की सेवा करना चाहता हूं। बीजेपी लंबे समय से एक चुनाव के समर्थन में है, इससे समय धन बचेगा जिसका इस्तेमाल गरीबों के लिए देश के विकास के लिए हो सकता है। वहीं एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी ने अधिसूचना जारी होने के अगले ही दिन इस पर काम शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय सूचना सचिव और इस कमेटी के सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और बाकी सदस्यों ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें एक देश एक चुनाव के मसले पर ब्रीफिंग दी। वहीं सरकार के हर फैसले के खिलाफ रहने वाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया साइट पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और लिखा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाने की ये नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का हथकंडा है। 2024 में लोगों के पास वन नेशन वन सॉल्यूशन है, बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना। देश के लिए केंद्र सरकार की नीतियों की खिलाफत करने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इस लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के लिए क्या जरूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन एजुकेशन, यानी अमीर हो या गरीब सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा। वन नेशन वन इलाज, यानी अमीर हो या गरीब सबको एक जैसा अच्छा इलाज। आम आदमी को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या मिलेगा? जब से पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय दी है, विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी की देश हित की नीतियों को कैसे विफल किया जा सकता है। कांग्रेस के राहुल गांधी अदानी का मुद्दा उठाते हैं तो कभी कुछ और, कभी सीएम केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाते हैं तो आजकल G20 का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी ममता बनर्जी केंद्र को उनसे पंगा ना लेने की धमकी दे रही है तो कभी लालू कुछ बोल जाते हैं। विपक्ष के इतने हमलों के बावजूद भी पीएम मोदी की देश की तरक्की की सोच बदल नहीं रही, जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। एक देश एक चुनाव के जरिए जनता का कितना पैसा बचेगा ये केंद्र सरकार जानती है, लेकिन विपक्ष भी जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो उनको अपनी जेबें भरने का मौका नहीं मिलेगा। जब से पूर्व राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर ब्रीफिंग ली है, तब से तो विपक्ष को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इसलिए अब सब एक सुर में पीएम मोदी की नीति का विरोध कर रहे हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।